तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। सो रियल नंबर में इंट्रोडक्शन मैंने उसकी कर दी थी, एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन भी बता दिए थे, और अचानक से एचआरडी मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि वे रियल नंबर में शुभम जी आप जो पढ़ा रहे हैं वो आएगा ही नहीं। मतलब यूक्लिड में स्टार्ट किया था, यूक्लिड थ्योरम पढ़ाया था, वो यूक्लिड थ्योरम नहीं आने वाला। तो अगर यूक्लिड थ्योरम नहीं आने वाला तो उनकी एप्लीकेशंस उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे, न्यूमेरिकल्स भी नहीं आएंगे। याद रखो, रियल नंबर पूरा नहीं हटाया गया, उसका एक टॉपिक हटाया गया। कौन सा थ्योरम? यूक्लिड थ्योरम, बस उसको हटाया गया। यानी हम लेमा बोल सकते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा वाला जो, वो पूरा हट गया। यानी उससे रिलेटेड जो 2m+1 प्रूव दैट द एनी ऑड नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ फलाना ढिमकाना, 2m+1 ऐसा करके, वो जो क्वेश्चन है उस टाइप के भी क्वेश्चन अब आपके में नहीं आएंगे। इन शॉर्ट एक्सरसाइज एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 1.1 और उससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल हैं, जितने भी क्वेश्चन है, वो सब नहीं आने वाले। बट पूरी एक्सरसाइज नहीं, आई मीन सॉरी, पूरा पूरा का पूरा चैप्टर नहीं, एक्सरसाइज 1.2 आएगा। एक्सरसाइज मतलब फंडामेंटल थ्योरम, ये सारी चीजें आएंगी, ठीक है? तो आज मेरा 1.1 जो मैंने पढ़ाया था बस उतना काफी है, उसके अलावा मैं आगे नहीं बढ़ाने वाला। हालांकि जो मैंने एक न्यूमेरिकल कराया था लास्ट वाली क्लास में, वो जरूर इंपॉर्टेंट है और वो आ सकता है, क्योंकि वो जरूरी नहीं है कि वो यूक्लिड डिवीजन लेमा से ही, वो फंडामेंटल थ्योरम से भी हो जाएगा, अर्थमेटिक वाली सेकंड थ्योरम से भी हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो अब बात करते हैं मतलब की। तो लास्ट टाइम मैंने कुछ डिविजिबिलिटी के बारे में ही बताया, बहुत कम ही लोगों ने देखा उसको, चलो अच्छी बात है। देखो मैं यहाँ पे ईमानदारी से अपना वर्क कर रहा हूं, अब आपसे उम्मीद है कि आप भी अपना ईमानदारी से वर्क करें, ठीक है ना? क्योंकि यहां मैं आपको नॉलेज दे रहा हूं, इसमें इसका कोई वो नहीं है, ठीक है? चलो आगे चलते, फालतू की बातें नहीं। वहां मैंने बताया था 7 में जो मैंने 2 और 5 का जो करामात इधर उधर फंडा लगाया था वो कहां से आया, उसके बारे में आप बताएं। लोगों ने नहीं बताया तो मैं उसको बताऊंगा भी नहीं, क्योंकि अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आप भाई मेरे से बोलिए, तभी मैं दूंगा, ठीक है ना? इधर आपने डिविजिबिलिटी बोली थी तो मैंने डिविजिबिलिटी बता दी आप लोगों को। अब आगे अगर आप नहीं बोल रहे हैं तो फिर मैं फालतू की ज्ञान नहीं देने वाला, हालांकि वो एग्जाम में भी नहीं आएगा, बट अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए इसलिए मैंने बोला था। अब आगे की बात, काम की बात करते हैं। आज मैं जो स्टार्ट करने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट अब बन जाता है, क्यों? क्योंकि नॉर्मली देखे तो उससे क्वेश्चंस नहीं आते थे, आते भी थे तो शॉर्ट में ही आते थे, क्वेश्चंस नहीं बनते थे। जैसे कि लास्ट टाइम याद होगा आप लोगों को मैंने बताया था कि ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट नंबर अगर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए क्या ट्रिक होगी। ग्रेटेस्ट के लिए SCF, स्मॉलेस्ट के लिए, है ना, उससे रिलेटेड जितने भी वर्ड हैं उनके लिए आप LCM प्रेफर करते हैं। तो उस तरह के क्वेश्चन नॉर्मली क्या है ना, एग्जाम में CBSE बोर्ड जो है या एनी अदर बोर्ड्स, वो उस क्वेश्चन को प्रेफर नहीं करता, देता नहीं। उसके प्लेस पर वो क्या दे देता है, प्रूव द 6 to the power n इज एंड विद द 0, 4 to the power n एंड विद द 0, 12 to the power n, नेवर एंड विद 0, ऐसा करके ये सब क्वेश्चन देता था। या फिर ऐसे कर देता, प्रूव दैट अंडर 5 इज इरेशनल नंबर, या प्रूव दैट 2+√5 इज इरेशनल नंबर, इस तरह के क्वेश्चन वो दिया करते थे, ठीक है? इस पे ज्यादा फोकस नहीं करते थे, देते भी थे तो MCQ में 1 मार्क्स का दे देते थे, फाइंड द SCOF ऑफ दिस एड्रेस, बट वो भी यूक्लिड में ज्यादा बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं करते थे। बट अब क्या है ना, क्योंकि यूक्लिड हटा दिया गया, क्योंकि आपका पोर्शन कहने के लिए, पॉइंट टू बी नोटेड, कहने के लिए थोड़ा सा डिडक्ट कर दिया गया, ये कहने के लिए है, आपको मैं बता देता हूं, ठीक है? मान के चलिए जिस हिसाब से आपका सिलेबस, मेरे अकॉर्डिंग जिस हिसाब से उन्होंने डिडक्ट किया है ना, उस हिसाब से अब आपके यहाँ जो पेपर है ना, वो ज्यादा से ज्यादा चीजें टफ ही बची। मैं मानता हूं कि आप में से क्या बोलते हैं, जो हमारा वॉल्यूम सरफेस एरिया, उसमें फ्रस्टम ऑफ कोन वाला पार्ट हटा दिया गया, वो बच्चों को टफ लगता था, बट यार और में दे देते थे, वो और में आ जाता था, आप ये करिए या फिर ये वाला, मतलब वॉल्यूम सरफेस एरिया से एक सिंपल क्वेश्चन उठा के दे दिया और वॉल्यूम सरफेस एरिया के फ्रस्टम वाले से एक वो जो टफ क्वेश्चन, अब उनमें से आप सिंपल ही करेंगे ना, जाहिर सी बात है, तो हटाया भी तो कोई फायदा नहीं। रही बात तो स्टैटिस्टिक्स के जो से जो चीजें हटाई गई, मीन मीडियन मोड, ठीक है, उसका भी अल्टरनेटिव रहता था तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ट्रायंगल चैप्टर की जो थ्योरम्स हटाई, वो भी ऐसी थ्योरम हटाई जो कि बहुत कम पूछते थे, कोई फायदा नहीं। मतलब ये मान के चलिए कि HRD मिनिस्टर खुद तो उन्होंने हटाया नहीं होगा, उन्होंने टीचर से पूछा, लगभग 12,000 या 1200 के आसपास टीचर्स का एक पूरा वो था ग्रुप, उन्होंने उन्हें सजेशन दिया, भाई वो वही सजेस्ट करेंगे ना आपके लिए जो अच्छा हो।
अब उनको मालूम है कि अगर बच्चों को नॉलेज ही नहीं रहेगी तो आगे कैसे वो कम्पीट करेंगे, नहीं तो वो टिकटॉक में फैम चले जाएंगे, काली काली अखियां यही करेंगे भाई, है कि नहीं? तो आप समझते हैं, तो वो चाहते हैं कि भाई आप लोग को थोड़ा नॉलेज रहे अगर आप पढ़ रहे हैं तो, जो पढ़ने वाले उनको, नहीं तो ना पढ़ने वाले तो टिकटॉक में अपना टाइम वेस्ट कर ही रहे हैं पबजी में, जो पढ़ने वाले हैं वो भी काली काली अखियां करेंगे। तो समझ रहे होंगे आप लोग, चलो आगे चलते हैं। तो आज जो बात करने, मतलब कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला आपका कहने के लिए तो परसेंटेज जो रिडक्शन हो गया, सीबीएसई सिलेबस रिडक्शन हो गया, बट अगर आप उसको बहुत ही मैच्योरिटी से और थोड़ा सा माइंड लगा के देखते हैं तो आपका पेपर थोड़ा सा हार्ड बन जाएगा, सिंपल नहीं होने वाला, आपको इजी क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, ठीक है? हाँ, अगर एक काम हो जाए कि वो एमसीक्यू दे दें, जो मैंने बोला था 50%, यानी 50% के अकॉर्डिंग आपका 40 क्वेश्चंस या 35 क्वेश्चंस अगर एमसीक्यू होता है तो थोड़ा बच्चों को बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है? तो काम की बात हो जाए, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक 1.1 स्किप हो जाए, जितने क्वेश्चन बचे थे अब वो नहीं कराने वाला मैं, ठीक है? क्योंकि वो नहीं आने वाला, और वो सब हार्ड वाले क्वेश्चन ही थे, उनको मैं हटा रहा हूँ, 1.2 में आ रहा हूँ डायरेक्ट। इसके बारे में समझिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसमें इसके लिए आप कोई नए नहीं है, या पहले से ही जानते हैं बट किसी और नाम से जानते हैं, थ्योरम नहीं बल्कि मैथड, जिसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड, बट ये इंट्रोड्यूस हुआ इस नाम से, किस नाम से? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। किसने किया? ये किया गॉस नाम के एक मैथमेटिशियन या साइंटिस्ट, जो बोले उन्हें, ठीक है? यानी वो काफी ओमनिवोरस थे, हर जगह वो पाए जाते थे, ठीक है? उनका नाम क्या था? उनका नाम था कार्ल गॉस, आप बोल सकते हैं, ठीक है? पूरा नाम मैं लिख देता हूं, कार्ल। उनकी एक बुक भी है जिस बुक में इन्होंने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में बताया था। तो नाम क्या है ध्यान से देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा, एक्स्ट्रा नॉलेज है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, सबसे पहले एक मैथमेटिशियन जिनका नाम हुआ करता था कार्ल फ्रेडरिक, स्पेलिंग पे मत जाना, फ्रेडरिक FRIEDRIC, कार्ल फ्रेडरिक गॉस, ठीक है? ये एक मैथमेटिशियन थे, याद रखो, ये उन यानी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, थ्री साइंटिस्ट उस समय ग्रेट साइंटिस्ट की अगर बात करते थे ना इनके टाइम पे, लाइक 17th सेंचुरी की बात कर रहा हूं मैं, तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में ये तीन साइंटिस्ट के नामों में, जैसे एक न्यूटन थे, दूसरे आर्कमिडीज और गॉस, ये तीन बहुत मेन हुआ करते थे, ठीक है ना? आर्कमिडीज का टाइम पीरियड अलग है, बट तीन ग्रेटेस्ट हम लोग अगर साइंटिस्ट की बात करते थे ना तो वो कौन होते थे? न्यूटन, गॉस, आर्कमिडीज, ये तीन हुआ करते थे। गॉस को तो यहां तक कि गॉस को कहा जाता था प्रिंस ऑफ मैथमेटिशियन, ये कहा जाता था भाई, आप समझ रहे हैं ना, मैथमेटिशियन, ये इनका नाम हुआ करता था, किनका? गॉस का, ये बोलते थे प्रिंस ऑफ मैथमेटिशियन। तो इन्होंने एक बुक लिखी हुई थी जिसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आर्कमिडीज के अरिथमेटिक के बारे में बताया, जिसका नाम क्या था इनकी बुक का? डिस क्वेश्चन, स्पेलिंग यही है जो मैं लिख रहा हूं, बट क्वेश्चन की स्पेलिंग उस समय उनकी बुक में ये थी, तो डिस क्वेश्चन, यहां पर भी ईएस है, तो डिस क्वेश्चन अरिथमेटिया, ठीक है? तो ये इनकी बुक का नाम था, ठीक है? यहां पे अरिथमेटिया, ये, ठीक है? तो ये बुक का नाम हुआ करता था, ओके? इस बुक में ही इन्होंने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ किसके बारे में बताया? अरिथमेटिक के बारे में बताया। इन्होंने क्या बताया, चलो समझते हैं। इन्होंने बताया कि अगर हम किसी भी कंपोजिट नंबर के बारे में तो पहले से मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, भाई प्राइम नंबर क्या होते हैं, अगर नहीं एक्सप्लेन किया तो आप देख लो, प्राइम नंबर आप जानते हैं क्या होते हैं, जैसे मैं एक बच्चों वाले टेबल बनाता हूं, आप ये जानते हैं, यहां एम ही कर लीजिएगा, आप ये जानते हैं कि जैसे नंबर हम लिखे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12 ऐसे करके बहुत सारे मैंने नंबर लिख दिए। ठीक है, मुझे मालूम है कि वन ना तो कंपोजिट नंबर, पहले बता दे रहा हूं, वन ना तो कंपोजिट नंबर होता है ना प्राइम नंबर, क्यों सर बताऊंगा। ठीक है, अच्छा ये बताइए टू प्राइम नंबर है, इसके बारे में तो जानते हैं, मैंने बताया प्राइम नंबर एग्जैक्टली टू फैक्टर, इटसेल्फ एंड वन, तो इटसेल्फ एंड वन टू होगा, थ्री होगा, फोर नहीं होगा। ठीक है, फोर नहीं होगा, फाइव होगा, सिक्स नहीं होगा, सेवन होगा, नाइन नहीं होगा, टेन होगा नहीं होगा, इलेवन होगा। मैं सिर्फ इतने नंबर ले रहा हूं, बहुत सारे इन्फिनाइट नंबर होते हैं। अब ये तो हो गए प्राइम नंबर, इन प्राइम नंबर को छोड़ के जितने नंबर बच रहे हैं ना वो सभी हम कंपोजिट नंबर में काउंट कर लेते हैं, वो सभी कंपोजिट नंबर में काउंट कर लेते हैं। क्लियर है? हाँ क्लियर है। अब डेफिनेशन बता दीजिए सर। देखो प्राइम नंबर की क्या होती है, एग्जैक्टली टू फैक्टर, एंड कंपोजिट नंबर का क्या होता है, मोर देन टू फैक्टर। बट बुक की डेफिनेशन ये है, बुक की डेफिनेशन कंपोजिट नंबर की बता रहा हूं कि इट हैव मोर देन वन फैक्टर, मोर देन वन फैक्टर अदर देन या एक्सेप्ट वन। बात करें एक्सेप्ट वन की, यानी वन को छोड़ दो, बाकी जो भी बच रहा है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो इट हैव मोर देन वन फैक्टर एक्सेप्ट वन। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं फोर की बात करूं तो फोर के फैक्टर्स क्या होंगे, तो फोर जो है वो टू से कैंसल आउट हो जाएगा, फोर से भी हो जाएगा और वन से भी हो जाएगा। तो ये मोर देन टू फैक्टर है, यानी है मोर देन वन फैक्टर, मोर देन टू फैक्टर है, तो ये कंपोजिट नंबर हुआ। बट बुक की डेफिनेशन क्या कहती है कि वन को छोड़ दो, अगर एक से ज्यादा फैक्टर्स निकलते हैं तो वो कंपोजिट नंबर है। जैसे सिक्स, टू एंड थ्री, बट आप लोग वन को भी काउंट करेंगे, बट ये बुक क्या कहती है भाई, वन को छोड़ देना है, वन को काउंट ही नहीं करना, उसके बाद भी अगर एक से ज्यादा इसके फैक्टर्स आते हैं तो वो कंपोजिट है। आई होप समझ में आ गया। ठीक है, सो ठीक है, कंपोजिट आपको पता चल गया। अब ये जो हमारे फैक्टर्स है ना, ये तो हमारे कैसे फैक्टर्स है, नॉर्मली जो डिवाइड करते हैं नॉर्म, ठीक है, बट प्राइम फैक्टराइजेशन में जब हम जाते हैं तो ऐसे ब्रेक करते हैं ना, फोर को इस तरीके से टू 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 जा टू वन जा ऐसा करके करते हैं, अगर हम सिक्स की बात करें तो टू थ्री जा थ्री वन जा इस तरीके से करते हैं। तो हमारे जो प्राइम फैक्टराइजेशन आते हैं सिक्स के, वो क्या आते हैं, टू और थ्री इस तरीके से। इसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं ना, प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर को सिर्फ काउंट करते हैं। सर क्या कह रहे, नहीं समझना है। जैसे समझो, अभी मैंने जब फोर को ब्रेक किया या फोर का जब मैंने फैक्टर लिखा तो मैंने लिखा टू भी होता है और फोर भी होता है, यही लिखा ना, टू भी होता है और फोर भी होता है। तो एक बात बताओ, क्या फोर प्राइम है, नहीं है, फोर प्राइम नहीं है, तो इसे हम नहीं लेंगे, इसे हम इसके फैक्टर्स के फॉर्म में नहीं लेंगे क्योंकि प्राइम नहीं है। हम सिर्फ यहां पे फंडामेंटल थ्योरम में प्राइम फैक्टर की ही बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, प्राइम फैक्टर की। तो अब चलो मतलब की बात करते हैं, क्या होता है फंडामेंटल थ्योरम, यहां राइट करेंगे इफ सॉरी व्हाट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये होती है कि इफ एनी नंबर विच इज कंपोजिट, यानी फॉर अ कंपोजिट नंबर the product of the prime factor is unique। कुछ समझ में आया, नहीं आया, चलो मैं समझाता हूं, पहले इसे आप नोट करिए फिर जगह खाली हो जाए तब मैं बताता हूं। तो मैंने क्या बताया, मैंने बताया फंडामेंटल थ्योरम, यहां मैं लिख दी, उसको लिख लेना कि फॉर एवरी कंपोजिट नंबर इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, यही बताया था, बिल्कुल, कि इसे हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, मैं एग्जांपल ले रहा हूं एक सिंपल सा, चलो 343 लेता हूं, हालांकि ये तो एकदम सिंपल हो जाएगा या थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, कोई और लेता हूं, मैंने ले लिया 24 ले लिया मैंने। अब अगर मैं 24 को ब्रेक करूं तो इसको कुछ इस तरह से ब्रेक करूंगा ना, 24 टू, ये प्राइम फैक्टर्स कर रहा हूं इसके, ठीक है, टू तो ये हो जाएगा 12, एंड उसका प्रोडक्ट करूंगा, प्रोडक्ट आके इसका रिजल्ट सेम आना चाहिए, 2 6 फिर 2 3 फिर 3 1। हाँ, अगर मैं इसका प्रोडक्ट करूं तो ये कुछ इस फॉर्म में आएगा, 2 2
टू इंटू थ्री इस तरीके से। अब जितने भी टू, जैसे टू हमारे कितने टाइम्स हैं, थ्री टाइम्स है, तो इसको हम उसके पावर्स के फॉर्म में कन्वर्ट यानी एक्सपोनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और इस तरह से लिख देंगे। अब ये जो प्रोडक्ट है ना ये यूनिक होगा, ये यूनिक होगा। जैसे और समझो, मैंने एक एक्स नंबर ले लिया, मुझे नहीं मालूम इसका फैक्टर क्या होगा, आई डोंट नो। अब चलते क्या करते हैं, इसका फैक्टर करते हैं और फैक्टर में कुछ इस फॉर्म में राइट करता हूं। सपोज मेरे को ये मिल गया 2, 3, 5 और 7, ये इसका प्रोडक्ट मिल गया। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये सारे के सारे कैसे नंबर है, प्राइम नंबर है। इनका जो भी रिजल्ट आएगा अगर मल्टीप्लाई करें तो देखो कितना आता है, 210 आ गया मेरे पास। अब अगर मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से जैसे ऐसे लिखूं 7, 5, 3, 2, यानी ये असेंडिंग ऑर्डर में, इसको मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, तो क्या 210 नहीं आएगा क्या? मल्टीप्लाई करो 7, 5, 35, 2 कितना 73, 210 आ तो रहा है, यानी ये यूनिक ही होगा। चाहे तुम जो कर लो आगे पीछे, चाहे जैसे लिखो, आंसर सेम आएगा, प्रोडक्ट भी यूनिक रहेगा, यही नंबर्स रहेंगे। बट एक क्या तरीका क्या होता है, एक जैसे बोलते हैं ना परंपरा, प्रतिष्ठा, परंपरा बना दी गई क्या, कि जब हम फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई करेंगे या प्राइम फैक्टराइजेशन फंडा यूज करेंगे तो हम जितने भी प्राइम नंबर है उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में राइट करेंगे। कैसे? असेंडिंग ऑर्डर यानी इस तरीके से, ये भी गलत नहीं है, इस तरीके से राइट करेंगे, ठीक है। तो चाहे ये राइट करो, चाहे ये राइट करो, रहेगा तो यूनिक ही ना, रहेगा तो यूनिक ही, एक ही रहेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? बिल्कुल। तो चलो अब आगे चलते हैं। ये हुई बात फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की। फिर बाद में इसे कहा जाने लगा भाई, या हम लोग नाइन्थ क्लास में इसे किस नाम से पढ़ते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड से पढ़ते, या इससे पहले की क्लासों में कैसे पढ़ते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड से पढ़ते थे। इसका काम क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड का यूज हम कहां करा करते थे, या फंडामेंटल थ्योरम का यूज हम, या एप्लीकेशन हम कहां करेंगे, हम करेंगे एचसीएफ और एलसीएम को फाइंड आउट करने में। SCF और LCM, याद है आप लोगों को जब मैं लैमा बता रहा था तो मैंने वहां पे एक एल्गोरिदम वर्ड यूज किया था, एल्गोरिदम, और मैंने बताया था इस एल्गोरिदम का यूज हम कहां करते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, उसका यूज करते हैं। SCF, LCM मैंने नहीं बोला था, SCF, ठीक है, मैंने LCM नहीं बोला था, यानी वहां LCM का यूज नहीं कर सकते। बट ये जो थ्योरम है ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यहां हम नंबर्स का SCF भी फाइंड आउट कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और LCM भी कर सकते हैं, SCF और LCM बोथ। क्लियर है? तो चलो कुछ एग्जांपल्स बुक के ही लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि ये हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमें बताता है कि फॉर एवरी कंपोजिट नंबर इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है, नोट कर लो, आगे चलते हैं। चलिए ध्यान से देखिए ये वाला क्वेश्चन का, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं, बस डिजिट चेंज जाती है, 4 की जगह पे 6 आ जाता है या 12 आ जाता है, ऐसे आ जाते हैं, ठीक है। इस बार के बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों में ही ये क्वेश्चन जरूर था और इस बार भी आएगा, 100% श्योर है, ठीक है। चल क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट 4 to the power n नेवर एंड विद 0। तो पहले बात करते हैं कि अगर कोई नंबर 0 से एंड हो रहा है तो उसकी क्या क्राइटेरिया है, क्या है कॉन्सेप्ट, क्या है। तो अगर मैं बात करूं कि जैसे मेरे पास एक नंबर है 10, 0 से एंड है, हाँ है, सबसे पहला नंबर जो 0 से एंड है, अगर मैं इसको ब्रेक करूं यानी इसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में इसको राइट करूं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स या प्राइम नंबर्स, तो ये क्या होगा, 2 × 5, 10 × 1 भी होगा लेकिन उस फॉर्म में नहीं राइट कर सकता। 20 और देखूं तो इसको लिखूंगा 2 × 2 × 5, 4, 5 = 20, इसको और शॉर्ट करो तो 2 to the power 2 × 5 हो गया। अगर मैं 30 की बात करूं तो ये हो जाएगा 2 × 3 × 5, 5 × 3 = 15 × 30। अगर मैं बात करूं 40 की तो इसका देखते हैं 2 × 2 × 2 × 5, अब इसको और करो तो ये हो जाएगा 2 to the power 3 × 5। अब इसको और क्यों नहीं बढ़ा रहा हूं, क्योंकि यहां पे 1 है इसलिए आगे मैं नहीं कर रहा हूं। तो एक बात समझ में आ रही है, जरा ध्यान से देखो, इसमें ऐसे इन तीनों में 10, 20, 30, 40, इन चारों में ऐसे कौन से नंबर हैं जो कॉमन दिख रहे हैं आप लोगों को, कॉमन, उस पर फोकस करो। तो ध्यान से देखो, इसमें 2 और 5
इसमें भी टू और फाइव है, इसमें भी टू और फाइव है, एक्स्ट्रा थ्री आ गया कोई मतलब नहीं है, इसमें भी टू और फाइव ही है। अगर मैं 50 ले लू तो ये हो जाएगा टू इंटू फाइव इंटू फाइव, टू और फाइव अगेन। अगर मैं 60 ले लू तो टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू फाइव है कि नहीं, तो यहां पे भी क्या आ गया टू टू दावर टू इंटू थ्री इंटू फाइव। अगर मैं कंक्लूजन पे चलू तो एक बात पता चल गई कि टू और फाइव जरूर होगा, 70 ले लो, एक और ले लेता टू इंटू फाइव, फाइव इंटू सेवन, टू इंटू फाइव इंटू सेवन, अब एक नंबर आ गया एक्स्ट्रा सेवन, लेकिन उससे कोई फर्क पैदा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ क्या चाहिए टू और फाइव। तो एक बात समझ में आ गई कि जितने भी डिजिट जो जीरो से एंड हो रहे हैं उनमें एक चीज कॉमन है, एक चीज कॉमन लिंक पता चल गया, क्या? टू और फाइव। तो बस ये टू फाइव पे फोकस करना, एक बात कॉन्सेप्ट माइंड में चला गया कि नंबर तभी जीरो से एंड होगा जब उनके प्राइम फैक्टर कैसे हो, टू और फाइव के फॉर्म, यानी उनमें टू और फाइव जरूर होना चाहिए। क्लियर? चल तो अब आगे चलते हैं इस क्वेश्चन में, इसको हटा देते, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। यानी इफ द नंबर इज एंड विद जीरो देन द प्राइम प्राइम फैक्टर द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर हैव या मस्ट हैव टू एंड फाइव इन इट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो क्या लिखा, प्रूव दैट फोर टू द पावर एन, तो फोर टू द पावर एन ले लेते हैं और इसको जो फैक्टराइज करते हैं, जब फैक्टराइज करेंगे हमें मालूम है टू इंटू टू यानी टू टू द पावर टू आएगा फोर को, और इसको अगर यहां पे पावर क्या है एन है तो मैं इसको एन लिख सकता हूं। आगे और इंक्रीज करेंगे तो मतलब स्टेप को बढ़ाएंगे तो इसको मैं लाइक लिख सकता हूं टू टू द पावर टू एन, क्योंकि ये देखो मल्टीप्लाई हो गया, ये आपको मालूम होगा। ठीक है, तो टू टू द पावर टू एन हो गया। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चल रहा है, ये मालूम चल रहा है कि अगर मैं 4 टू द पावर n को ब्रेक करूं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 आएगा। नहीं समझ में आ रहा, तो चलो देखते हैं। ये मेरे पास 2 टू द पावर 2n है, एक काम करते हैं, n के नेचुरल नंबर है, n व्हाट इज n लिखा नहीं है बट n इज नेचुरल नंबर, तो अगर हम n का नेचुरल नंबर लेते हैं तो यहां पे 2 टू द पावर 2n है तो n की वैल्यू क्या काम करते हैं 1 ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 2 इंटू 1, मतलब 2 1 जा 2 हुआ ना, ओके तो ये कितना हो गया 2 इंटू 2, 2 टू द पावर 2n, अभी n की वैल्यू 2 लेता हूं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 टू द पावर 4 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 सिर्फ 2 आएगा। 2 टू द पावर 2 इंटू 3 लेते हैं यानी 2 टू द पावर 6 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2। तो क्या कंक्लूजन क्या मिला, ये पता चला कि अगर हम इसको फैक्टराइज करते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ व्हाट फैक्टराइजेशन लगाते हैं तो क्या पता चलेगा, तो ये या मैं अर्थमेटिक सॉरी फैक्टराइजेशन बोल दिया, अगर हम वो फॉर्मूला लगाते हैं या वो थ्योरम लगाते हैं तो यहां जो फैक्टर्स मिलेंगे वो सिर्फ और सिर्फ 2 मिलेंगे। बट अगर नंबर अगर डिजिट 0 से एंड हो रही है तो वहां 2 नंबर होने चाहिए, सिर्फ 2 से काम नहीं चलेगा, 2 एंड 5। क्लियर है? बहुत अच्छी बात है। तो हम लिखेंगे क्या, लैंग्वेज क्या होनी चाहिए हमारी, हमारी लैंग्वेज होनी चाहिए 4 टू द पावर n, 2 टू द पावर 2n। यहां पे राइट करेंगे क्लियरली क्लियरली हियर द फैक्टर या द प्राइम फैक्टर ऑफ द 4 टू द पावर n, ठीक है, 4 टू द पावर n इज ओनली 2। क्या बोला मैंने, मैंने बोला यहां पे क्लियरली द प्राइम फैक्टर क्या है, प्राइम फैक्टर 2, 3, 5 यही तो फैक्टर्स हुए ना, सो द प्राइम फैक्टर ऑफ द 4 टू द पावर n हैव ओनली क्या 2 हैव ओनली 2, सिर्फ 2 ही है। एंड हमें मालूम है द यूनिकनेस ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यूनिकनेस दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ एक ही हो सकता है, एक से ज्यादा हो ही नहीं सकता, तो यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक देयर विल बी ओनली 1 फैक्टर ऑफ एनी नंबर, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। तो अब आगे क्या लिखेंगे, बट वी नो दैट इफ द नंबर इज एंड विथ द डिजिट
द डिजिट जीरो इट मस्ट हैव द इट मस्ट हैव टू एंड फाइव एज द प्राइम फैक्टर एज द प्राइम फैक्टर ठीक है. सो 4 टू द पावर n इज नेवर एंड विथ 0. सो आई समझ में आ गया होगा आप लोगों को मैंने क्या बोला. क्लियरली हियर द प्राइम फैक्टर ऑफ द 4 टू द पावर n हैव ओनली 2 है ना. क्या बोला हियर द प्राइम फैक्टर ऑफ द 4 टू द पावर n हैव ओनली 2 या हैव की जगह आप हैज भी कर सकते हैं फिर. बट वी नो दैट इफ द नंबर इज एंड विथ द डिजिट 0 इट मस्ट हैव 2 एंड 5 एज द प्राइम फैक्टर ठीक है. एज द प्राइम फैक्टर जो कि नहीं है सो 4 टू द पावर n नेवर एंड विथ 0. काम खत्म पैसा हरी ठीक है. तो अब चलते हैं आगे हम कुछ और क्वेश्चन में से नोट करिए. चलिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर ये आपके लिए एग्जांपल दिया हूं अभी एक्सरसाइज पे नहीं आ रहा हूं एक्सरसाइज आपको ही करना है. कह रहा फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएम ऑफ द 6 एंड 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है यार एकदम हलवा सा क्वेश्चन है. तो देखिए करना कैसे कैसे करते हैं. सबसे पहले हम यहां पे साइड में इस तरीके से प्राइम फैक्टराइज करेंगे इसको आप जिसको आप एलसीएम कहते हैं प्राइम फैक्टराइज करेंगे 2, 2 3s and 3 1s ठीक है. इसके बाद इसको भी करेंगे प्राइम फैक्टराइज तो 2 10s. यहां प्राइम फैक्टराइज इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां सिर्फ और सिर्फ हम प्राइम नंबर का ही यूज करते हैं. इसको 2 इसको डायरेक्ट 10 से भी डिवाइड कर सकता था ठीक है. 2 5s बट वो प्राइम नंबर नहीं है 5 1s ठीक है. तो अब यहां राइट करेंगे क्या 6 इज इक्वल टू क्या होगा या प्राइम फैक्टर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 6 एंड 20 डैश करो 6 इज इक्वल टू क्या होगा 2 into 3 एंड 20 इज इक्वल टू क्या होगा 2 into 2 into 5 जिसको हम लिख सकते हैं 2 to the power 2 into 5 to the power 1. अब बात करते हैं एचसीएफ की. याद रखो इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज है एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं. देखो एचसीएफ अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो उसका फंडा ये होता है एक तो होता है कॉमन करें जैसे इसमें देखो ये कॉमन दिख रहा है तो ये कॉमन लिख लो. और दूसरा जो कि अब टेंथ में आप मतलब ये ज्यादा इजी मेथड है क्या करेंगे आप सिर्फ पावर पे कंसंट्रेट कीजिए. एचसीएफ में हम पावर मिनिमम लेते हैं किसी भी नंबर का जो कॉमन हो जैसे 2 और 2 ये कॉमन है क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कॉमन सिर्फ लेना है बाकी जो बच रहा है एक्स्ट्रा उससे कोई लेना देना नहीं है. अगर हम देखें तो इसमें पावर ये 1 है और ये 2 है तो ये सबसे कम पावर है इसी को लेने का है अपने को. फिर 3 देखते हैं 3 तो इसके पास है ही नहीं इसके पास वाला 5 इसके पास नहीं है बट या इसका मतलब ये हुआ कि हो गया खत्म अब कोई कॉमन नंबर नहीं है दैट्स इट हमारा रिजल्ट आ चुका है एचसीएफ 2 होगा क्लियर. अब बात करते हैं एलसीएम की. एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी मल्टीपल हमेशा बड़े होते हैं ज्यादा ठीक है एचसीएफ के कंपैरिजन में. तो अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम में हम देखेंगे मैक्सिमम पावर जैसे यहां 2 to the power 2 है मैक्सिमम पावर पे जाएंगे और साथ ही साथ यहां पे जो बच रहे हैं ना उनको भी नोट करेंगे. पहले कॉमन कॉमन में मैक्सिमम पावर लेने का तो ये दोनों कॉमन है तुम्हारे प्राइम फैक्टर नंबर्स इनमें मैक्सिमम पावर वाला ले लो और जो बच रहा है जैसे इसके पास 3 बच रहा है और इसके पास 5 बच रहा है तो 5 ले लो. बात समझ में आई. सब बटोर लेने का है सारा कुछ जितना कबाड़ है सब बटोरना है. एलसीएम जो होता है ना वो ऐसा ही होता है. तो सबसे पहले जो पावर है मैक्सिमम वो ले लिया इसके बाद इसके पास 3 बच रहा है ले लो इसके पास 5 बच रहा है ये भी ले लो. तो रिजल्ट क्या आएगा ये आ जाएगा 4 into 3 into 5 5 4 20 3 60 ये आपका रिजल्ट आ गया खत्म. नोट करो फटाफट फिर एक फॉर्मूला बताता हूं. चलिए अब ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आगे आने वाले टाइम के लिए. लिखा है एचसीएफ ऑफ द 2 नंबर किसी भी 2 नंबर का एचसीएफ एंड प्रोडक्ट ऑफ द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर एंड द प्रोडक्ट ऑफ द एलसीएम ऑफ द 2 नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर. समझ आया कि जो भी तुम्हारे वो 2 नंबर हैं 2 नंबर जैसे मैंने 6 और 20 लिया द एचसीएफ ऑफ द 2 नंबर मल्टीप्लाई बाय द एलसीएम ऑफ द 2 नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर उनके प्रोडक्ट के ही इक्वल होता है ठीक है. चलो एग्जांपल लेते हैं मैंने 6 और 20 लिया था बताइए जरा एचसीएफ क्या आया था. एचसीएफ ऑफ 6 20 क्या आया था यह आया था 2 ओके. एलसीएम क्या आया था
एलसीएम आया था 6 और 20 का, 20 आया था आई थिंक, नहीं 20 नहीं आया था, क्या आया था भूल गया यार मैं, अभी तो आया था देखो, मैं 2 टू द पावर 2 लिया था और 3 लिया था और 5 लिया था, है ना, 60 आया था, ठीक है, देखो 5 3 15 4 60, 20 नहीं आया था, 60 आया था एलसीएम, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो मैंने फॉर्मूला बनाया क्या ये ट्रू है, तो एक काम करते हैं सबसे पहले फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, तो एचसीएफ कितना 2, एलसीएम कितना 60, कितना रिजल्ट आया 62 था 120। अब ए इंटू बी भी लेते हैं, ए इंटू बी, ए कितना था, ए था मेरा 6 और बी कितना था 20, 62 था 12, 120। आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये दोनों जो मेरा एलसीएफ था और ये जो मेरा एलसीएम था वो ए और बी के प्रोडक्ट के इक्वल आ गया, यानी ये फॉर्मूला जो है वो राइट है, क्लियर है। और ये वेरीफाई करने के लिए क्वेश्चन आपसे पूछता है, आप देखेंगे एनसीईआरटी में तो आई थिंक सेकंड या थर्ड क्वेश्चन है जो आपको बोलेगा वेरीफाई, ऐसे करके वेरीफाई करने के लिए बोलेगा, तो वहां वेरीफाई इसी फॉर्मूले को यूज करके करना है। तो चलो एक क्वेश्चन एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा, नोट करिए पहले, चलिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 एंड हेंस वेरीफाई दैट दिस फॉर्मूला एलसीएम इनटू एचसीएफ, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। तो चलो सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे, तो याद रखो प्राइम फैक्टराइजेशन, याद रखो एक्सरसाइज आपका 1.2 में पहले आपको एक क्वेश्चन देगा जैसे 140 और बोलेगा फाइंड द प्राइम फैक्टर, फाइंड द प्राइम फैक्टर, तो प्राइम फैक्टर आपको आपका यही होता है जो यहां पे हम लोग साइड में करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर ऑफ 26 एंड 91, तो सबसे पहले 26 का निकालो, 26 का भाई निकालो तो 2 से जाएगा 13 आया, 13 बन जा, फिर ये 91 से जाएगा तो सबसे पहले ये किससे जाएगा 7 से ही जाएगा, आप जानते हैं 7 के टेबल में ही आ सकता है, तो 7 7 बन जा 7 7 3 जा, है ना, अब 13 से जाएगा 13 बन जा। तो अगर मैं बात करूं प्राइम फैक्टर की, किसकी, पहले 26 की, तो आएगा 2 इंटू 13, और अगर मैं बात करूं 91 का तो आएगा 7 इंटू 13, सो HCF ये कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका, ये कॉमन आया 13। और बात करता हूं अगर LCM की, तो पहले जो कॉमन मिल रहा है 13 उसको और जो बचा हुआ है 2 इंटू 7, अब सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 7 टू 14, 14 इंटू 13 तो 13 169 एंड 13 कितना हो गया, ये हो गया आपका 182, तो ये 182 आ जाएगा मल्टीप्लाई करके आप देखिएगा, ठीक है 182 मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, 13 इंटू 14, पहले इसको 13 का स्क्वायर कर देते हैं 169 और उसमें 13 ऐड कर देते हैं, ये हो गया 182 ही आएगा। अब आगे करते हैं, ठीक है, हमें करना है वेरीफाई, एलसीएम एचसीएफ तो फाइंड आउट कर लिया, अब वेरीफाई बचा है, तो अब यहां हेडिंग डाल दीजिएगा वेरीफाई, और यहां सबसे पहले आप क्या करेंगे एलसीएम एचसीएफ, ठीक है, ये पूरा फॉर्मूला ही लिख लीजिए चाहे तो, दो तरीके होते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दी टू नंबर, तो एलसीएम कितना, ये है 13, एचसीएफ कितना 182, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, नंबर क्या है 26 इंटू 91, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 13 टू जा 26, 2 कह रही 13 8 जा 104, 106 हो गया, है ना 106, कितना बचा 10, 13 बन जा 13, 13 और 10 23, तो 2366 आया। अब यहां देखते हैं, अच्छा तो 26 बन जा 26, 6 कैरी, आई मीन 6 राइट करेंगे और कितना कैरी 2 कैरी, अब 26 नाइंजा करते हैं तो एक काम करते हैं 26 टेंजा करते हैं उसमें 26 माइनस कर देते हैं, तो ये हो गया 260 और 260 में 26 माइनस कर दो तो ये बचा 4, 5 ये बचा 3 और 2, यानी 234 आएगा, 234 और 234 प्लस 2 कितना हुआ वहां 234 और ये जो कैरी है यहाँ पे ये प्लस 2 ऐड करेंगे तो आएगा 236, तो देखिए 2366 यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाई, हो गया खत्म, क्लियर हुआ, ठीक है। तो बस इतना सा ही था, एकदम सिंपल सा हलवा सा था, यानी अगर एक्सरसाइज 1.2 में जो कि अब आपकी ऑफिशियली फर्स्ट हो गई, अगर उसमें आप फर्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं तो उसमें आपको सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन यानी यहां पे यहां तक करके छोड़ देना है, सेकंड क्वेश्चन जब करेंगे तो वहां पे आपको क्या करेगा वेरीफाई करने के लिए बोलेगा, तो आपको ये पूरा करना है,
फिर थर्ड वाले में तीन नंबर्स देने लगेंगे, उसके प्राइम फैक्टर करने, इसी तरीके से, ठीक है। और आप कोशिश करिएगा 1.2 एक्सरसाइज करने की, अगर आ जाती है तो ठीक है, नहीं आती है तो आप मुझे बताइए, मैं पूरी एक्सरसाइज करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही है, अपना ध्यान दीजिए, अच्छे से रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए, और अपना अपना करेक्टर ऐसे बनाइए कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। ये कोर्ट के साथ आज के लिए विदा लेता हूं। ओके बाय।